आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैंने पहन लिया स्वेटर क्योंकि सुबह और शाम काफ़ी ठंड है। सुबह को ज़्यादा ठंड है, शाम को तो फिर भी आप स्वेटर ना पहनो तो चल रहा है। और थोड़ा देर पहले हम लोग ऊपर गए थे गाँव में, मतलब मैंने अपने हस्बैंड जो है उनको पहली बार आए हैं तो उनको गाँव दिखाया था ऊपर का। और अभी का प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे अल्मोड़ा, वहाँ पे हमारा काम है और फिर उसके बाद हम जाएंगे अपनी नानी के घर। और अभी ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, आज बन रही है न्यूट्रेला की सब्जी जो कि गैस पे चढ़ा दी है। और बारिश होने वाली है तो ये देखिए पीछे गेहूँ रखे हुए हैं, तो चाची इनको रख रही है अंदर जिससे कि ये भीगे ना, अदरवाइज उनकी सारी मेहनत जो है गाढ़ चली जाएगी। और बोलोगे गाढ़ मतलब पानी में चली जाएगी। तो बस यही है, आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर। तो बारिश होने वाली है और गेहूं को बचाया जा रहा है। और ये बुआ आप कुछ कहना चाहेंगी बारिश के बारे में? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वेदर बड़ा अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। अच्छा तो आप एंजॉय कर रहे हैं? हाँ मजा आ रहा है बड़ा। अच्छा चलो ठीक है। आप कुछ कहना चाहोगे मोनू जी? डुग्गू आप कुछ कहना चाहते हो? डुग्गू आप भाती खाओगे, रोटी खाओगे? हाय गाइस, सो मैं हो चुकी हूँ रेडी और ये है मेरा आउटफिट आज का, एंड दिस ड्रेस इज फ्रॉम नायो। तो मेकअप कुछ नहीं किया है मैंने, सिंपल सा काजल लगाया है, बीबी क्रीम लगाई है बॉन्ड्स की, एंड देन इयर रिंग्स पहने हैं जो मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगाए थे। और लिपस्टिक का शेड है मेरा 10/04 शुगर स्मज मी नॉट वाली जो लिपस्टिक है। अभी मैं जा रही हूँ अल्मोड़ा बाजार और मैं आपको अब अल्मोड़ा बाजार पहुँचती। सो गाइस ये है रास्ता नीचे रोड पे जाने का। डुग्गू को मैंने उसके पापा के साथ गाड़ी में भेज दिया जिससे कि वो हमको नीचे मिल जाए, क्योंकि इतना चलना नहीं हो पाता है बच्चे के साथ। और मुझे लगा मेरा गांव है, एक बार मैं पैदल जाती हूँ। तो वो देखो आप नीचे आप रोड देख सकते हैं, वो होटल है छोटा सा, भोजनालय लिखा है वहाँ पे। ये देखिए हम आ गए हैं नीचे मेन रोड में, इसको बोलते हैं हम हल्दर नाई। सो वी आर ऑल सेट और अभी हम लोग जा रहे हैं अल्मोड़ा और हमें लग जाएगा आई थिंक 20 से 25 मिनट लग जाएंगे अल्मोड़ा पहुँचने में। और वहाँ पहुँच के ना अंदर देखिए आप ऊपर चढ़ता जा रहा है, नीचे आने को राजी नहीं है। हेलो बोलो। सो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और ये ग्रीनरी देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी है। मैं सेट करती हूँ कैमरा अपना और अब हम करवाने वाले हैं यहाँ पे अपना छोटा सा फोटो सेशन। Thank you.
हॉस्पिटल था यहाँ आगे का, अब बंद हो गया ये हॉस्पिटल। शीशे बंद करो। फाइनली मैं अपनी नानी के घर पहुंच गई हूं और बहुत अच्छा व्यू है पीछे का, ये देखिए घर भी मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से पूरा। और आज का जो अपडेट है वो यही है कि हम लोग अलमोड़ा बाजार गए, वहां मेरी सिस्टर के लिए हम लोगों ने नथ का डिजाइन सिलेक्ट किया और वो ऑर्डर पे दे दी है, तो वो हमको मिलेगी फ्राइडे शाम तक या फिर सैटरडे मॉर्निंग में, हमें कॉल करके उनसे पूछना है। और अभी मेरी सिस्टर बना रही है चाय, ऊपर यहाँ पर गैस है तो इसकी टेंशन नहीं है खाने वाने की, और बस अब चाय पियेंगे और थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं और मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर। तो ये जो है गेहूँ छाटा जा रहा है सूप की हेल्प, और मम्मी जैसी पहुंची ताई के साथ लग गई काम में, और मुझे लगा मैं इसको भी रिकॉर्ड करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि पहाड़ों में देखिए किस तरीके से गेहूं को अलग किया जाता है। यहाँ पर पंखे वगैरह यूज़ नहीं किए जाते हैं, बल्कि मेरे पापा के गांव में बड़े बड़े पंखे होते हैं, उसके द्वारा ये जो है अलग किया जाता है। और यहाँ पर नानी कर रही है पापा से गप्पे और मम्मी बना रही है खाना। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ, आप मेरे व्लॉग के साथ बनी रहिए।